एक्सरसाइज नंबर 11.4, ओके, आंसर नंबर 5। ये जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी इसमें आपको बीच में छुड़वा करके करवाऊंगी। अगर यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे एंड देन यू कैन आंसर मी, ओके। रेणु कंप्लीटेड हर 25 कंसेक्यूटिव डेज सिंगिंग क्लासेस ऑन 7 जुलाई। रेणु ने अपनी सिंगिंग क्लासेस कंप्लीट करी हैं 25 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है, तो लगातार क्लासेस चल रही है, ठीक है। उसमें सिंगिंग क्लासेस को उसने ज्वाइन की है। तो 25 डेज तक वो लगातार सिंगिंग क्लासेस लेता है ऑन 7 जुलाई, ठीक है। व्हेन डिड शी जॉइन द क्लास, मतलब 7 जुलाई तक उसने अपनी लगातार क्लासेस ली है, ठीक है। 7 जुलाई तक, मतलब 7 जुलाई तक उसने ज्वाइन करी क्लासेस को, और 25 डेज हमें नहीं पता है कि उसने किस दिन अपनी क्लासेस को ज्वाइन करी, लेकिन हमें ओवर डेट पता है, मतलब उसकी क्लासेस कब खत्म हो रही, 7 जुलाई को खत्म हो रही। तो व्हेन डिड शी जॉइन द क्लासेस, तो उसने अपनी क्लास कब ज्वाइन करी है, तो हमें क्या बताना है, ज्वाइन डेट बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 7 जुलाई, ठीक है। ओवर डेट क्या है, कॉन्सिक्यूटिव डेज, कॉन्सिक्यूटिव डेज का बता रही हूँ बार बार, कि लगातार जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं हो, 25 डेज तक उसने लगातार क्लासेस ली है, ठीक है। एंड ओवर डेट मतलब उसकी आप ये भी बोल सकते हो एंडिंग क्लास, ठीक है। आप एंड क्लास का भी कह सकते हैं इसके अंदर, कि उसकी क्लासेस कब एंड हो रही है, ठीक है। एंड क्लास, ठीक है। तो 7 जुलाई, ठीक है, हमें 7 जुलाई को कुछ भी नहीं करना है। 7 जुलाई, जुलाई से पहले वाला मंथ कौन सा होता है, जून का होता है, और आपको पता है कि जून कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए 7 जुलाई, तो वो ऑलरेडी, मतलब कि जुलाई के 7 डेज तो वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। तो 25 में से आप 7 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, देखिए 25, क्योंकि 25 डेज ऑलरेडी वो ज्वाइन कर रहा है। तो 25 माइनस 7, 15 में से 7 गए 8 एंड 1, मतलब कि 18 डेज रिमेनिंग बचे हैं। अभी रिमेनिंग डेज कितने हैं, 18, ओके। अब इसके बाद बताइए कि जो 18 डेज बचे हैं, और जून कितने मंथ का होता है, जून में नंबर ऑफ डेज, जुलाई से पहले जून ही आता है, और जून होता है 30 डेज का, कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है, और रिमेनिंग डेज कितने हैं, 18। तो हम क्या करेंगे, इस 13 में से 18 को माइनस करा देंगे, 10 माइनस 8 2, ठीक है, 3 की जगह क्या बचे, 2 2 माइनस 1 1, तो 12 डेज, मतलब 12 जून, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट क्या हो गई, डेट 12 जून, ठीक है भाई। 30 में से 18 डेज का आप माइनस कर दोगे तो कितने बचे, 12। तो 12th ऑफ जून को उसने क्लासेस ज्वाइन करी थी, जो कि 7th ऑफ जुलाई तक उसकी क्लासेस चल रही है। वापस से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। रेणु कंप्लीटेड हर 25 कंसेक्यूटिव सिंगिंग क्लासेस ऑन 7 जुलाई। रेणु ने 25 डेज तक लगातार अपनी क्लासेस ली है, जो कि 7 जुलाई को उसकी खत्म हो गई। When did she join the classes? उसने अपनी क्लासेस को कब ज्वाइन करी? देखिए कभी कभार ऐसा होता है, जब हम क्लास स्टार्टिंग के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया कि 25 डेज तक उसने लगातार क्लासेस ज्वाइन करी है, ठीक है, 7 जुलाई तक, ठीक है। When did she join the class? अब ये लास्ट वाला सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है कि उसने क्लासेस कब ज्वाइन करी है, ठीक है। तो क्लासेस कब ज्वाइन करी है, 12th ऑफ जून को करी। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, विदाउट ब्रेक यू विल ज्वाइन द क्लास, ओके। तो 25 डेज तक करी है। एंडिंग क्लास मतलब उसकी क्लास कब ओवर हुई है, 7th ऑफ जुलाई को। तो हमें जुलाई को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि मतलब जुलाई के 7 डेज तक तो हो गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया,
क्या बचे? टोटल डेज कितने हैं? 25. 25 में से हमने 7 माइनस किए तो रिमेनिंग डेज कितने बचे? 18 डेज. ठीक है, अब जुलाई से पहले कौन सा मंथ आता है? जून. ठीक है, जून में नंबर ऑफ डेज 13. ठीक है, 13 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 12. इट मींस शी विल जॉइन द 18 ऑफ जून, 12 ऑफ जून. ओके, इट इज फाइनल आंसर. तो जॉइनिंग डेट उसकी क्या हुई? 12 ऑफ जून. ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन आपको खुद को करना है. आई विल एक्सप्लेन हियर. पूजा स्पेंड 6 आवर्स 30 मिनट्स एवरी डे इन अ स्कूल. पूजा जो है हर एक दिन अपने 6 आवर्स 30 मिनट्स डेली अपने स्कूल में इतने घंटे बिताती है. हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड इन स्कूल इन अ 5 डे वीक? अगर स्कूल यदि 5 डे वीक है तो वो कितने घंटे स्पेंड करती है? तो आपको पता है ये एक घंटे का, यदि एक दिन का हमें आवर्स पता है, 5 डे का पूछा है तो हम क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. कनिका इज 13 इयर्स 8 मंथ. कनिका जो है वो 13 इयर्स 8 मंथ की है. हर ब्रदर इज 2 इयर्स 8 मंथ्स ओल्डर देन हर. और उसका जो भाई है उससे 2 साल 8 महीने बड़ा है. हाउ ओल्ड इज हर ब्रदर? तो उसके ब्रदर की एज कितनी होगी? ठीक है, हमें उसके ब्रदर की एज को बता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिका इज 13 इयर्स 8 मंथ. कनिका जो है की एज दे रखी है कि वो 13 इयर्स 8 मंथ की है. हर ब्रदर इज 2 इयर्स 8 मंथ ओल्डर देन हर. हर किसके लिए आया है? उसकी सिस्टर कनिका के लिए आया है कि उसका भाई उससे 2 साल 8 महीने उससे बड़ा है, कनिका से बड़ा है. तो हाउ ओल्ड इज हर ब्रदर? तो उसके ब्रदर की एज क्या होगी? इसमें सिंपल क्या करना है, जो कनिका की एज है उसमें हम उसके ब्रदर की जो एज दे रखी है, मतलब कितने साल बड़ा है, उसको हम प्लस कर देंगे. देखिए आंसर नंबर 7, कनिका एज, कनिका की एज कितनी दी हुई है? 13 इयर्स 8 मंथ. ठीक है, 13 इयर्स 8 मंथ. ओके, एंड हर ब्रदर ओल्डर देन कितने मंथ बड़ा है? 2 इयर 8 मंथ बड़ा उससे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले तो आप ईयर और मंथ का कॉलम बना लेंगे. ठीक है, ये तो कनिका की एज हो गई 13 ईयर एंड मंथ 8, सेम एज वेल एज ब्रदर 2 ईयर एंड 8 मंथ. देन वी विल ऐड 8 प्लस 8 16 मंथ. बहुत ध्यान से देखना आप, 13 प्लस 2 15 ईयर. लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ. मतलब कि 16 मंथ वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक साल किससे बनता है? जैसे कि हमने मिनट्स और आवर्स में करे थे कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60. 60 से अबव वैल्यू आती है, हम क्या करते हैं, 1 आवर फॉरवर्ड कर देते हैं. ठीक है, सेम एज वेल एज कंडीशन अप्लाई ऑन हियर कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ. तो ये 12 मंथ तो कंप्लीट कर चुका है, मतलब एक साल और कंप्लीट हो गए. तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12 को माइनस करा देंगे. ठीक है, 12 मंथ माइनस कर देंगे क्योंकि एक साल कंप्लीट हो चुका है. तो ये 1 ईयर इधर ईयर को फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या होगा, ईयर में 15 प्लस 1 16. ठीक है, और 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4 मंथ. ठीक है, तो उसके ब्रदर की एज कितनी आ गई? ब्रदर्स एज इज 16 ईयर 4 मंथ. ओके, ये बहुत ध्यान में रखना है आपको कि कनिका की एज कितनी दे रखी है? 13 ईयर 8 मंथ. ओके, उसके ब्रदर की एज बताई भी नहीं है हमें निकालनी है, क्योंकि केवल इतना बताया गया है कि कनिका का जो ब्रदर है वो उससे 2 साल 8 महीने 2 ईयर 8 मंथ बड़ा है. तो बड़ा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, कनिका की एज में 2 ईयर 8 मंथ को प्लस कर देंगे.
ठीक है, तो 15 ईयर 16 मंथ का गया, बट आपको पता है कि 1 ईयर कितने मंथ से बनता है, 12 मंथ से, तो ये 12 मंथ तो कंप्लीट कर चुका है ना। अगर 12 मंथ बिलो होता तब तो हम कुछ भी नहीं करते, बट 16 इज अ 12 मंथ अबव, तो हम क्या करेंगे 16 में से 12 को माइनस करा देंगे बिकॉज ऑफ 1 ईयर कंप्लीटेड। ओके, तो 1 ईयर इधर फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1 ईयर इधर फॉरवर्ड हो गया तो कितने मंथ माइनस हो जाएंगे 12, 16 में से 12 गए 4 और 15 में 1 प्लस करेंगे तो 16 है। तो कनिका के ब्रदर की एज कितनी आ गई, ब्रदर्स एज इज 16 ईयर 4 मंथ। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, देखिए सेम एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। पंकज समर हॉलीडेज स्टार्टेड ऑन 16 मई, पंकज की समर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी है, कब से स्टार्ट हुई है 16 मई से, मतलब जो 16 मई है वो उसका हॉलीडे का दिन है। ठीक है, इफ द समर हॉलीडेज आर 45 डेज, यदि उसकी समर हॉलीडेज 45 डेज की हुई है तो व्हेन विल हिज स्कूल रीओपन, तो उसका स्कूल जो है वो कौन सी डेट को खुलेगा या कौन से दिन खुलेगा। ठीक है, तो इसको भी आपको सेम एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 5 जैसे करना है। ठीक है, कैसे करोगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर नंबर 8। ओके, सो देखिए पंकज समर हॉलीडे स्टार्टेड ऑन, हम क्या लिखेंगे, स्टार्टेड डेट लिखेंगे, स्टार्टेड डेट कितनी है 16 मई है, मतलब 16 मई को तो वो स्कूल कब तक गया है, पंकज कब तक गया, 15 मई तक गया, और मई आप देखिए कौन से मंथ का होता है, मई 31 का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मई इज इक्वल टू 31 माइनस 16 कर दिए। ठीक है, क्योंकि 31 माइनस 15, क्योंकि 15 तक गया है वो, 16 से उसकी क्या हो गई हॉलीडेज स्टार्ट हुई, तो 11 माइनस 5 6, इधर क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 1, तो 16 डेज हो गए मई के, तो कितने हो गए 16 डेज हो गए हैं। अब देखिए जून, मतलब 45 डेज आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45 डेज जो है वो मतलब कि जून टोटल हॉलीडेज है, तो आप लिख सकते हो टोटल हॉलीडेज इज इक्वल टू 45 डेज। ठीक है, तो अब उसका देखिए कि छुट्टियां कब तक होंगी उसकी, आप क्या करोगे 45 जो डेज है उसमें से आप 16 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएंगे 9, ओके 3 माइनस 1 2, मतलब उसकी जो छुट्टियां हुई हैं वो 29 जून तक होनी है। ठीक है, ये जो निकल के आया वो उसकी डेट निकल के आई है 29 जून तक हुई है, और स्कूल कब री ओपन होगा 30 जून को। स्कूल विल बी रीओपन 30 जून। ठीक है, देखिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर 16 मई दिया हुआ है तो देखो अगर आप 16 मई से काउंट करते हो तो तब भी आंसर 30 जून आ जाएगा, कैसे आएगा उससे डायरेक्ट 30 आएगा, आप 16 मई से काउंट कर रहे हो तो मई का डेज कितने होते हैं 31, 31 में से हम 16 को माइनस करा देंगे तो कितने आ गए 11 माइनस 6 5, 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो हमारे पास 15 डेज तो ये हो गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि टोटल डेज कितने हॉलीडेज हो रही है 45, 45 में से आप 15 को माइनस करा दीजिए। ठीक है, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 1 3, 30 जून डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो अगर यदि हम 16 ऑफ मई से मानेंगे कि आपकी 16 मई से हॉलीडे स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उससे भी डायरेक्ट 30 जून आ जाएगा, कि वो डायरेक्टली आपको डे बताएगा उस दिन का कि किस दिन खुलेगा। ठीक है, अगर यदि हम 1 डे पीछे, क्योंकि 15 मई तक तो गया है इसको, ठीक है, तो हम 15 मई से यदि हम काउंट करते हैं तो 16 डेज हो गए। ठीक है, और 45 में से 16
आएगा तो 29 जून तक तो उसकी हॉलिडे रही है। और स्कूल कब खुलेगा? उसका 30 जून को, मतलब 15 मई से लेते हैं तो 29 तक का डे बताएगा, उस दिन तक तो हम उसकी मानेंगे कि छुट्टियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे स्कूल रीओपन हो गए, ठीक है। तो अगर यदि हम इस तरीके से करते हैं तभी आपका आंसर सही है, और अगर यदि आप 16 मई से मान करके चल रहे हो तो वो आपका जिस दिन से आप मान के चल रहे हो तो वो उस दिन तक का बताएगा कि आपको इस डे को खुलेगा। दोनों ही मेथड आपके करेक्ट होंगे, ठीक है, कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। वर्षा ज्वाइन अ 3 वीक सिंगिंग क्लासेस। वर्षा ने 3 वीक्स तक अपनी सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन की हैं, दैट ओवर ऑन 12 नवंबर। अब यहाँ पे इसकी ओवर डेट दे रखी है, मतलब खत्म होने वाली डेट दी हुई है, 12 नवंबर को उसकी क्लासेस फिनिश हुई है। व्हेन डिड द क्लास बिगिन, तो उसकी क्लास कब शुरू हुई है? देखिए आपको ये क्वेश्चन तो आपको खुद को करना है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बाकी आपकी एक्सरसाइज 11.4 फिनिश हो चुकी है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, ठीक है। वो आपको खुद को सोचना है कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहीं से भी घुमा करके दिया हुआ होगा, ठीक है, सॉल्व आपको खुद को करना है। इज दैट क्लियर?